गौरव गाथा, एक अंतिम दर्शन की तरफ चलेंगे। आज सीटेट की यह मैराथन क्लास, जहां पे हम आज एनसीएफ 2005, आईटी 2009 के साथ एक प्रसिद्ध ऐसे व्यक्ति के बारे में एक कविता के साथ आज हम क्लास की शुरुआत करेंगे, जहां से सीटेट में 30 से 35 अंक आपके आने हैं। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपको 30 से 35 अंक अधिक दिला सकती है। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना, क्योंकि आज की क्लास के बाद आपके एक दो नहीं 30 से 35 अंक आगे बढ़ने वाले हैं। और आज एक महान शख्सियत, अगर आप सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, अगर शिक्षक भर्ती की दुनिया में अगर अपना वर्चस्व रखते हैं तो इस व्यक्ति को जरूर जानते होंगे, जिसका नाम है मोहित तेजस। तो ई लर्निंग की दुर्गेश तरफ से मैं दुर्गेश जैसा, निःशुल्क क्लास राष्ट्रीय तो देश हित की तरफ से मैं आज सहायक अध्यापक मोहित तेजस सर की तरफ से एक छोटी सी कविता के साथ आज अपनी क्लास की शुरुआत करूंगा। जो वो कविता है वो आपकी सीटेट की बाधा को पार करने वाली कविता है, जिन्होंने आपके लिए पूरी मेहनत के साथ लिखा है। तो आज एक बार आप सभी साथी जो लोग इस वीडियो में जुड़े हुए हैं, जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, अब की बार सीटेट पार की सीरीज जो आज हम लोग को पढ़ना है, जिसका नाम है एनसीएफ 2005, आरटी 2009, और साथ ही साथ उससे भी बड़ी चीज आज आपको मिलने जा रही है, पूरी शिक्षण की एक कवितावली। उस कविता को पढ़ने के बाद दिल दिमाग सब कुछ फ्रेश हो जाएगा, और इस भर्ती परीक्षा में पास होने के बाद एक थैंक यू इलनी भी दुर्गेश के साथ, दूसरी थैंक यू आपको, धन्यवाद मोहित सर को जरूर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग आपकी उम्मीदों की तरफ आगे बढ़ते हैं, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी होगी, बड़ा अच्छा लगेगा, इलनी भी दुर्गेश पर मोहित सर की कविता जाएगी और मोहित सर स्वयं उस कविता के साक्षी बनेंगे। चलिए अब हम उससे पर्दा उठाते हैं, और इस वीडियो को सभी साथियों को शेयर करिएगा, क्योंकि कर हर हर मैदान फतेह, अब की बार सीटेट पार का अंतिम वार आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, इस शख्स को आप पहले से पहचान रहे होंगे, जिनका नाम है मोहित सर। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आप इस नाम को भली भांति जानते हैं, जिनका नाम है मोहित सर, और आप अगर सीटेट यूपीटेट की दुनिया में होंगे इस व्यक्ति को जरूर जानते होंगे। मुझे इस बात का गौरव है कि आज इस वीडियो के साथ आपके साथ जुड़े हैं। अगर वीडियो साफ आपको नहीं दिख रहा हो तो वीडियो की क्वालिटी यहाँ से बढ़ा लीजिएगा, तीन डॉट विंडो पर क्लिक करके। साथ ही साथ ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब दोनों पर निःशुल्क लाइव चल रहा है, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। आइए, बच्चे के लिए शिक्षक और शिक्षा सर्वोपरि है, बच्चा बच्चे की भाषा। मतलब मैं एक बार कविता पढ़ लेता हूं, इस कविता की फिर व्याख्या करता हूं। बच्चों के लिए है शिक्षक और शिक्षा सर्वोपरि है, बच्चा और बच्चे की भाषा। घर बच्चा फेल हो जाता तो मैं गलत हूं या गलत है शिक्षण। अगर बच्चा फेल होता है तो मैं गलत हूं या गलत है शिक्षण। किस्से कहानियां शामिल करके बच्चों को सृजनशील बनाना, किससे कहानियां शामिल करके बच्चों को सृजनशील बनाना। दंड अंक नियम रखने पर न जोर देना, अवसर देकर महान बनाना। गलत नहीं है गलतियां करना, गलत नहीं है गलतियां करना, वो एक अधिगम का हिस्सा है। समस्या है समुदाय, वह बहुभाषिकता है, वो है एक संसाधन का हिस्सा। समस्या नहीं है समुदाय, वो बहुभाषिकता, जो है एक संसाधन का हिस्सा। सक्रिय अधिगम हेतु भ्रमण की जो, स्कूल जान की जीवन से जोड़ो। समूह में कार्य करना तभी बनेंगे वे सहयोगी। सबको संभव से देखी वही कहलाए समावेशी। बंद अंत है अभिसारी, खुला अंत है अपसारी। सुनना बोलना पढ़ना लिखना ये चारों हैं भाषा कौशल। सुनना बोलना पढ़ना लिखना ये चारों हैं भाषा के कौशल। बोलना लिखना है उत्पादक, सुनना पढ़ना है ज्ञानात्मक। फिर आगे बढ़ते हैं मोहित सर के कविता की तरफ। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, ध्यान से सुनिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा। अर्थ ग्रहण पठन कहलाए, विचार लिखना लेखन कहलाए। उदाहरण से नियम आगमन कहलाए, उदाहरण से नियम आगमन कहलाए, नियम से उदाहरण निगमन कहलाए। तोड़ फोड़ विश्लेषण की जो, फिर से जोड़ संश्लेषण की जो। समस्या पहचान करे निदान, समस्या दूर करे उपचार। भाषिक क्षमता है जमजात, ये कहना चामस्की महाराज। भाषिक विकास समाज से होवे, ये कहना वैगोत्स्की महाराज। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से सीखे हैं, ये वैगोत्स्की कहते हैं। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं, ये वैगोत्स्की कहते हैं। बच्चे प्रत्यक्ष अनुभव से सीखे, ये पियाजे का है कहना। वातावरण के अनुरूप खुद को ढालना है अनुकूलन। वर्तमान में बदलाव कर नया ग्रहण करना समायोजन।
पियाजे जुड़े हैं संज्ञात्मकता से, कोहल वर जुड़े नैतिकता। काटन बहुबुद्धि बतलावे भंडूरा नकल कर रवा में। मौखिक अक्षमता अकेज्या डिस्केज्या पढ़ने की है अथलिक्ज्या। मौखिक अक्षमता अकेज्या डिक्सेज्या पढ़ने की है अथलिक्ज्या। डिस्लेक्सिया लिखने की है डिस्काफिया। गणती कहलाए डिस्कैलकुलिया। बच्चों का ही ध्यान में रख तुम काले कर निशान। खुद को शिक्षक मानकर तुम क्रैक करो एग्जाम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मोहित सर की इस कविता को। हो सकता है मैं मोहित सर के भाषाई को आप तक नहीं पहुंचा पाया, उनके सस्वर पाठन नहीं कर पाया। फिलहाल मैंने पूरे सिलेबस को आपके बीच लाने का प्रयास किया है मोहित सर के माध्यम से। और हाँ, ध्यान दीजिएगा आप सभी साथी, आज सीटेट की NCERT 2009 की क्लास चलेगी, जो शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा जूनियर और प्राइमरी के साथ साथ आपके सीटेट यूपीटेट रीड एमपीटेट सभी के पाठ्यक्रम में है। आज हम लोग NCF 2005 को पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम उसके बहुत पूर्ण प्रश्नों को भी हल करेंगे और अंत में उसकी थ्योरी पढ़ेंगे। यह क्लास आपके 2.5 से 3 घंटे होगी। पहले मोहित सर की इस कविता का पूरा अर्थ बताते हैं। वीडियो जिनमें नहीं चल रहा है वीडियो की क्वालिटी बढ़ा ले। आइए हम दोबारा ध्यान से देखिएगा, एक एक लाइन का अर्थ बताते हुए आगे चलेंगे और आज एक यादगार क्षण आपके लिए होगा। सीटेट की ऐतिहासिक क्लास होगी। बच्चों के लिए शिक्षक और शिक्षा सर्वोपरि। बच्चा और बच्चे की भाषा माने किसी बच्चे के लिए शिक्षक और शिक्षा सर्वोपरि है। सर्वोपरि है किसकी? बच्चे की भाषा माने बच्चे की मातृभाषा सर्वोपरि है। अगर बच्चा फेल हो जाता, अगर बच्चा फेल हो जाता तो मैं गलत हूँ, गलत है शिक्षण। अगर बच्चा कक्षा में फेल होता है तो क्या है? शिक्षक गलत होता है, उसकी शिक्षण विधियां गलत होती हैं। अगर बच्चा फेल होता तो मैं गलत, या गलत है शिक्षण। फिर आगे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जो लोग वीडियो को चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पे जहां भी आप इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, मेरा निवेदन है आपसे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। सीटेट की ऐतिहासिक क्लास है आपके लिए अब की बार सीटेट पर। फिर किससे कहानियां शामिल करके बच्चों को सृजनशील बनाना। जब बच्चों को कहानियां सुनाते हैं, किस्सा सुनाते हैं, तो बच्चे सृजनशील होते हैं। वो अपने आप को कविता में महसूस करते हैं और एक एक करके अपने आप को कविता में गाते हुए चलते हैं। मतलब हमने ये देखा कि जो बच्चे होते हैं वो सृजनशील कैसे बनते हैं, कविता के माध्यम से बनते हैं और कविता में अपने आप को स्वयं महसूस करते हैं। दंड अंक नियम रटने पर जोर न देना। NCERT 2005 कहता है बच्चों को दंड न देना, अंक न देना, नियम न देना, न रटने पर जोर देना। माने बच्चों को न रटने देना है, न उन्हें याद करवाना है, कंठस्थ न करवाना है, न उन्हें किसी भी प्रकार से बच्चों को रटने रटाने का कोई काम नहीं करना है। मतलब हम लोगों ने देखा, फिर अवसर देकर महान। बच्चों को हमेशा अवसर देना है और बच्चे अवसर देकर ठीक है क्या करना, अवसर देकर बच्चों को महान बनाना। गलत नहीं है गलतियां करना, जो एक अधिगम का हिस्सा। थंडाइक ने कहा प्रयास और त्रुटि का नियम। माने अगर बच्चे गलतियां करते हैं तो वो गलत नहीं है, वो गलतियों से सीखते हैं। जैसे हम और आप कहां से सीखते हैं, हम हमेशा गलतियों से ही तो सीखते हैं। ठीक, समझ में आया आप लोग को? अगर आ गया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर आगे देखते हैं, समस्या नहीं समुदाय की बहुभाषिकता। समस्या नहीं है बहुभाषिकता, जो समाज का सबसे बड़ा अंग है, जो वो है एक संसाधन का हिस्सा। और वो क्या है? एक संसाधन का सबसे बड़ा हिस्सा है। माने अगर आपको ये लग रहा है कि बहुभाषिकता जो है वो संसाधन का हिस्सा नहीं है, तो ध्यान रखिएगा कि बहुभाषिकता एक संसाधन का सबसे बड़ा हिस्सा है। सक्रिय अधिगम भ्रमण की जो, माने जो भ्रमण शिक्षण विधि है वो सक्रिय अधिगम है। बच्चा नजदीक में जाकर वह जाकर देखता है, भ्रमण विधि में बच्चा खुद से देखता है और चाहे वो कार्य हो, चाहे काम हो, चाहे जो भी चीजें होती है, बच्चा उसे क्या करता है, नजदीक से देखता है। बच्चा वहां पे जाकर अध्ययन करता है, बच्चा वहां पे सीखता है। फिर स्कूली ज्ञान के जीवन से जोड़ना, माने स्कूल ज्ञान को बाहर के जीवन से जोड़ना। यह NCERT 2005 की कहानी। यह क्या है? NCERT 2005 की कहानी। समूह में कार्य करना तभी बनेंगे वो सहयोगी। माने जो बच्चे हैं उन्हें समूह में रहकर एक साथ काम करने चाहिए। माने अगर समूह से बाहर है तो उन्हें नहीं, समूह में जोड़कर रखना है। सबको संभाव से देखी वही कहलाए समावेशी। माने अगर आपकी कक्षा में जितने लोग हैं सबको एक साथ शिक्षा देना है, सबको एक साथ पढ़ाना है, यही क्या है आपकी असली समावेशी शिक्षा है। यही क्या है? समावेशी शिक्षा है। बंद अंत है अभिसारी। बंद अंत का मतलब जिसके उत्तर फिक्स हो उसे हम कहते हैं बंद अंत है अभिसारी। जैसे कह दिया जाए कि
मैंगो को अंग्रेजी में, आम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसका एक उत्तर है मैंगो। लेकिन अगर यहाँ पर कह दिया जाए किन्हीं पांच फलों का नाम बताइए, तो किन्हीं पांच फल, तो पांच चाहे जो भी बता सकते हैं। अगर कह दिया जाए कि जमीन के अंदर उगने वाले तीन सब्जियों के नाम बताइए, तो तीन यहाँ पे फिक्स है, तो ये क्या हो जाएंगे? ये बंद अंत होंगे। लेकिन जिसके उत्तर एक से अधिक हो उसे हम खुला अंत वाला प्रश्न कहते हैं। क्या कहते हैं? खुले अंत वाला प्रश्न उसे अपसारी प्रश्न कहते हैं। जैसे कह दिया जाए किन दो गुड़जों का गुणनफल 48 है, इसके एक से अधिक उत्तर होंगे। लेकिन कह दिया जाए कि 6 × 8 क्या होगा, तो ये बंद अंत अपसारी है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम सर की कविता की तरफ। सुनना बोलना पढ़ना लिखना ये चारों भाषा के कौशल, सुनना बोलना पढ़ना लिखना ये चारों भाषा के कौशल। मोहित सर लिखते हैं कि सुनना बोलना पढ़ना लिखना ये चारों भाषा के कौशल, ये चारों भाषा ही कौशल है। बोलना लिखना है उत्पादक, बोलना लिखना है उत्पादक, उत्पादन करते हैं हम, लोगों तक पहुंचाते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ, मोहित सर लिख रहे हैं, आप लोगों तक पहुंच रहा है। सुनना पढ़ना है गणनात्मक, आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, फिर अर्थ ग्रहण का पठन कहलाए, मैंने पढ़कर जो ग्रहण करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे दुर्गेश, तो आपने क्या किया कि दुर्गेश सर, अच्छा इसका मतलब ये गुण संधि है, इसका मतलब आपने क्या किया, अर्थ को ग्रहण किया। अर्थ ग्रहण पठन कहलाए, विचार लिखना लेखन। जैसे मोहित सर ने अपने विचार लिख दिए तो ये लेखन है, लेकिन मैं पढ़कर सुना रहा हूँ कविता को, तो अर्थ ग्रहण पठन कहलाए। ठीक है, फिर उदाहरण से नियम आगमन कहलाए, माने उदाहरण देकर हम नियम की तरफ जाते हैं, तो उसे हम आगमन शिक्षण विधि कहते हैं। कौन सी शिक्षण विधि? आगमन शिक्षण विधि कहते हैं। नियम से उदाहरण, नियम से उदाहरण निगमन कहलाए, नियम से उदाहरण निगमन कहलाए। तोड़ फोड़ विश्लेषण कीजिए, माने अगर हम मुट्ठी को खोल दें, तोड़ तोड़कर तोड़ फोड़ विश्लेषण के, जो मैं विश्लेषण शिक्षण विधि, तोड़ फोड़ करते हुए माने मुट्ठी को क्या करना है, खोल देना है, तो क्या हो जाएगा, तोड़ फोड़ विश्लेषण कीजो, फिर से जोर संश्लेषण कीजो, माने मुट्ठी बांधना, माने मुट्ठी अगर हम बांध लेते हैं फिर से जोड़ देते हैं, तो हम कहां पहुंचते हैं, तब हम संश्लेषण की तरफ पहुंचते हैं। ठीक है, तब कहां पहुंचते हैं, हम संश्लेषण की तरफ पहुंचते हैं। ठीक है, कहां पहुंचते हैं, तब हम संश्लेषण की तरफ पहुंचते हैं। समझ में आया आप लोग को? नहीं आया है बताइए। चलिए, समस्या पहचान कर निदान, माने समस्या पहचानना, ये निदानात्मक शिक्षण विधि है। कौन सी है? ये निदानात्मक शिक्षण विधि है। समस्या दूर करे उपचार, माने समस्या दूर करना। ठीक है, समस्या दूर करना, करे उपचार, समस्या दूर करे उपचार। भाषिक क्षमता जन्मजात होवे ये कहना चामस्की महोदय, माने जो भाषा क्षमता होती है ये जन्मजात होती है। भाषा क्षमता कैसी होती है? ये जन्मजात होती है। ये कौन कहा? ये चामस्की महोदय ने कहा। किसने कहा? चामस्की महोदय ने कहा। आगे चलते हैं, ये कविता अगर आपने समझ लिया तो सीटेट पास। ध्यान से देखिएगा, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से सीखे ये कहना वाचकी महोदय, माने सब बच्चे क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं, ये किसने कहा? भाई वाचकी महोदय। बच्चे प्रत्यक्ष अनुभव से सीखे ये कहने पियाजे महोदय, बच्चे जो हैं प्रत्यक्ष अनुभव से सीखते हैं, ये किसने कहा? पियाजे महोदय ने कहा। वातावरण के अनुरूप खुद को ढालना है अनुकूलन, वातावरण के अनुरूप खुद को ढालना है अनुकूलन। अगर नहीं ढाल पाए तो डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएंगे। अगर आप सीटेट को सीटेट की तरह नहीं ढाल पाएंगे तो आप क्या होंगे? आप विलुप्त हो जाएंगे, आप सीटेट की दुनिया से दूर हो जाएंगे। इसलिए सीटेट को सीटेट की तरह पढ़िएगा, यूपीटेट रीट एमपीटेट की तरह मत पढ़िएगा, वरना फिर से अब की बार सीटेट पार, अब की बार फिर से सीटेट, ऐसा ना होने पाए। अब की बार एक बार और सीटेट, ऐसा ना हो। वर्तमान में बदलाव कर नया ग्रहण करना समायोजन, वर्तमान में बदलाव करके लाना क्या है? समायोजन। पियाजे जुड़े संज्ञानात्मक, कोहलर वर्ग जुड़े नैतिकता। पियाजे जुड़े संज्ञानात्मकता से, कोहलवर जुड़े नैतिकता से। गार्डन बुद्धि, गार्डन वह बुद्धि कहलावे, बंडूरा नकल करावे। मौखिक अक्षमता, ये देखिए जो भूलने की क्षमता थी, उन्होंने कितना बढ़िया से कविता में लिखा है मोहित सर ने, और हमारे बीच लाइव भी हैं मोहित सर और मोहित मैम, दोनों लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। मौखिक अक्षमता है अकेज्या या डिस्केज्या, पढ़ने की अक्षमता एलेक्जिया या डिसलेक्सिया, लिखने की अक्षमता है डिसग्राफिया, गणितीय क्षमता कहलाए डिसकैलकुलिया।
बच्चों का ही ध्यान में रखना, अगर तुमको सीटेट पास है होना, बच्चों का ही ध्यान में रखना, तुम काले करो निशान, तुम जो निशान है उसको काला करो। का बच्चों का हित में ध्यान रखकर, माने बाल केंद्रित शिक्षा हो। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए। बच्चों को भगवान मान लीजिए, सीटेट पार हो जाएंगे। खुद को शिक्षक मानकर तुम क्रैक करो एग्जाम, खुद को शिक्षक मानकर बच्चों को हित को ध्यान में रख तुम काले करो निशान और फिर तुम हो जाओ सीटेट अब की बार पार। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने मोहित सर की कविता को अपने शब्दों में आप तक पहुंचा दिया। तो आप सभी का धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं इसके बाद एनसीएफ 2005, क्योंकि तीन दिवसीय जो आपकी सीरीज चल रही है उस सीरीज में एनसीएफ 2005, आईटी 2009 है। शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा जूनियर प्राइमरी के भी पाठ्यक्रम है, रीट एमपीटेट के भी पाठ्यक्रम है, यूपीटेट के साथ साथ सीटेट की जान है, जहां से आपको 30 से 35 प्रश्न मिलने हैं। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, 30 से 35 प्रश्न मिलने हैं अगर आपने सीरीज को पूरा तैयार कर लिया, ये यकीनन है। और आप परीक्षा से बाहर आएंगे, मैं एक टॉपिक को टिक करके दिखाऊंगा कहां कहां से 30-30 क्वेश्चन आए हैं। चल रहे हैं हम आगे, चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी कथा, अपनी रेस आज आपके साथ। तो चलिए जल्दी से टेलीग्राम में कविता आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम में आप सभी लोग दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ेंगे। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ई लर्निंग विद दुर्गेश, जहाँ पे मोहित सर है, मोहित सर के पेज से भी प्राप्त कर सकते हैं कविता। ध्यान से देखिएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। तो सबसे पहला एनसीएफ 2005 का फुल फॉर्म क्या होगा? आज की क्लास शुरू करने से पहले हम आपसे पूछेंगे एनसीएफ 2005 का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान से देखते हैं शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं क्या क्या है। तो शिक्षण अपनी शिक्षण गतिविधियों की योजना इस आधार पर बनाते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं और हम उन्हें क्या सिखाना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में, हम में से प्रत्येक के दिमाग में सीखने की प्रक्रिया का एक मॉडल होता है। आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में, जैसे आपने देखा ऊपर हमने कविता में बताया, यह मॉडल इस बात को समझाने की कोशिश करता है कि दिमाग में ज्ञान कैसे विकसित होता है, मतलब दिमाग में जो ज्ञान होता है ये कैसे विकसित होता है। यह क्लास 1.5 से 2 घंटे चलेगी, इसलिए अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं खेत में नहीं, और अब की बार सीटेट पार। देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या है। शिक्षण एक सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, व्यवसायिक एवं जटिल प्रक्रिया है। शिक्षण का संप्रत्यय उतना ही पुराना है जितना कि मानव। शिक्षण किसी को कुछ सीखने में सहायता प्रदान करता है। माँ का अपने बच्चे को बार बार दोहराकर कोई नया शब्द सिखाना या पढ़ना भी क्या कहलाता है? शिक्षण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? शिक्षण कहलाता है। दूसरा आगे देखेंगे, किसी छात्र का दूसरे छात्र से सही ढंग से क्रिकेट की गेंद को फेंकना बताना शिक्षण कहलाता है। सीटेट कैसे पार करना है यह बताना शिक्षण कहलाता है। इलर्निंग विद दुर्गेश को से आप अपने नोट्स को कैसे तैयार करें यह शिक्षण कहलाता है। फिर आगे चलते हैं हम लोग, जब हम किसी से कुछ ऐसा सीखने में सहायता करते हैं जिसे वह अपने आप नहीं कर सकता, उसे और तेजी से या और प्रभावी ढंग से सीखने में सहायता करता है, तब हम क्या करते हैं? शिक्षण कर रहे होते हैं। उस समय भी हम शिक्षण कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। सीखा हुआ व्यवहार वांछित एवं उचित या अवांछित अनुचित हमारे दृष्टिकोण जीवन के मूल्यों पर निर्भर करता है। इसे कुछ लोग चोरी करना सीखते हैं, लेकिन कुछ लोग भजन करना सीखते हैं। ये वांछित उचित, अवांछित अनुचित, ये हमारे दृष्टिकोण जीवन के मूल्यों पर निर्भर करता है। अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के व्यवहार पढ़ाए या सिखाने जा सकते हैं। ठीक, फिर हम आगे देखते हैं, शिक्षण जानबूझकर अथवा अभिप्राय दी जाने वाली एक प्रक्रिया है, साथ ही शिक्षण अनजाने में अनभिप्रेत प्रेत भी हो सकता है। ठीक है, चलिए हम और आगे चलते हैं। जी हाँ, सारी चीज आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। कक्षा में जब एक शिक्षक सुनिश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पढ़ाता है तब शिक्षण अभिप्राय है। ठीक, क्योंकि उसका उद्देश्य होता है ना, ये दोनों के लिए, ये शिक्षण एनसीएफ 2005, आरटी 2009, ये प्राइमरी जूनियर दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। क्लियर है ना। चलिए आगे देखते हैं हम, किंतु इस प्रकार के औपचारिक शिक्षण के अतिरिक्त
शिक्षण अनौपचारिक और अन्य विपरीत भी हो सकते हैं, जैसे घरों समाज के रीति रिवाज, फैशन आदि। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। गलत सूख रहा है। संवाद आदि अभिप्रेत शिक्षण के परिणाम है। चलिए शिक्षण का स्वरूप, आइए हम लोग देखते हैं शिक्षण के स्वरूप क्या है। शिक्षण एक सादृश्य प्रक्रिया है, शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया है, शिक्षण भाषागत प्रक्रिया है, शिक्षण शिक्षक और छात्र के बीच आमने सामने बैठकर चलने वाली प्रक्रिया है, शिक्षण छात्र और शिक्षक के बीच चलने वाली परस्पर क्रिया है, शिक्षण एक सामाजिक क्रिया है, शिक्षण एक आदेशात्मक क्रिया है, शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, शिक्षण निर्देशात्मक प्रक्रिया है। इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, वैसे इसकी पीडीएफ, ठीक है। फिर आइए शिक्षण एक ऐसी परिस्थिति का आयोजन या परिचालन करती है जिसे पूर्ण करना अथवा करने का प्रयास, व्यक्ति ब्रूमेन ने कहा है। शिक्षण एक अधिक विकसित व्यक्तित्व, कम विकसित व्यक्तित्व के बारे में पानी। चलिए आइए हम लोग देखते हैं कुछ और आगे, यहां से शुरू होता है। शिक्षण एक ऐसी त्रियात्मक क्रिया प्रणाली है जिसकी व्यवस्था एवं परिचालन विषय वस्तु के संदर्भ में अधिगम को अभिप्रेरित करने के लिए निर्देशित है। शिक्षण और अधिगम संबंधित चार तत्व हैं, क्या क्या? पहला, एक शिक्षक हो, एक शिष्य हो, शिक्षण प्रक्रिया, सीखने की क्रिया। ये शिक्षण और अधिगम के संबंधित चार तत्व है। शिक्षण एक ऐसी पारस्परिक अंतः क्रिया है जो शिक्षक तथा शिक्षार्थियों के बीच चलती है और वह शिक्षार्थियों के किसी उद्देश्य की और उन्मुख करती है। फिर हम आगे देखते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन या अधिगम बिल्कुल भी ना हो। अधिगम एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में अनेक पक्ष हैं जिस पर शिक्षक ध्यान केंद्रित कर अधिगम को प्रभावकारिता की दृष्टि कर सकता है। आइए देखते हैं आवश्यकता, मूल आवश्यकता क्या है। पहले आवश्यकता, सीखने वालों की आवश्यकताओं से ही अधिगम का प्रारंभ होता है। यदि सीखने वाला आवश्यकता के प्रति सचेत है तब अधिगम और भी प्रभावी होगा। सीखने वाले की आवश्यकता जितनी अधिक होगी वह अपने लिए उतना ही स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करेगा। फिर हमने देखा अधिगम की प्रक्रिया में दूसरा तत्व या पक्ष तत्परता है। प्रत्येक बालक किसी खास चीज के सीखने के तैयार नहीं रहता। हम किसी बालक को विशेष आयु का हो जाने पर पढ़ना लिखना सिखाते हैं, उससे पहले नहीं। परिस्थिति प्रक्रिया अधिगम परिस्थितियों का विशेष महत्व है। अधिगम की परिस्थितियां की अधिगम के लिए अवसर प्रदान करती हैं। शिक्षक मुख्य कार्य छात्रों के अधिगम और परिस्थितियों का निर्माण या संगठन करना है। शिक्षण द्वारा शिक्षक इन्हीं परिस्थितियों में आवश्यक सुधार लाकर छात्रों के अधिगम को विकसित करते हैं। अंतःक्रिया किसी परिस्थिति में अनुक्रिया करने को और उस अनुक्रिया के पुष्पुष्टि की प्रक्रिया को ही हम कहते हैं। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। आप लोग वीडियो को शेयर कर दें, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे बच्चे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे, जहां भी वीडियो को देख रहे हैं, आप शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने सभी साथी मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग यह विद्यालय एनसीएफ 2005 क्या है। आराम से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग। ठीक है यार, आप लोग वीडियो को शेयर भले मत करिए लेकिन अंत तक बने रहिएगा। सिलेक्शन के लिए अगर वीडियो को साफ में दिख रहा हो तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। यह वीडियो आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर आप अब की बार सीटेट पार करना चाह रहे हैं तब। यह विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। ठीक, यह विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम दस्तावेज है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद, वैज्ञानिकों, विषय विशेषज्ञ और अध्यापकों ने मिलकर तैयार किया है। मानव विकास संसाधन मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में देश में चुने विद्वानों ने राष्ट्रीय चुनौती के रूप में देखा है। फिर राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज का आरंभ रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति के अदरण से होता है, जिसमें कवि गुरु हमें याद दिलाते हैं कि सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है, ना समझ वयस्क संसार द्वारा उसकी विकृति है। आइए मार्गदर्शी सिद्धांत देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसको वीडियो सही नहीं दिख रहा है
वहाँ पे डॉट डॉट तीन बिंदु पर क्लिक करके वीडियो की क्वालिटी बढ़ा ले। जब वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेगा वीडियो एकदम साफ आपको दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जिनको भी वीडियो साफ नहीं दिख रहा है। मार्गदर्शी सिद्धांत, ज्ञान से स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना एक नंबर फिक्स, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना दो नंबर फिक्स, पाठचर्या पाठ पुस्तक पर केंद्रित न रह जाए उसे बाहर की दुनिया के साथ जोड़कर रखना, ये भी आपका नंबर फिक्स है। कक्षा कक्ष को रीति विधियों से जोड़ा जाए, यह भी आपका एक नंबर फिक्स है, ठीक। अब आते हैं राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हों। अब प्रमुख सुझाव, आइए देखते हैं एनसीएफ 2005 क्या प्रमुख सुझाव देता है। शिक्षण शुद्ध से ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना। आप लोग जानते होंगे यहाँ से आपकी परीक्षा में एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त की तरफ, और आदि का अधिकतम प्रयोग हो। आदि का क्या हो? अधिकतम प्रयोग हो, ठीक। हम आगे देखते हैं, सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। मूल्यों की उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर स्थापित किया जाए, मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर स्थापित किया जाए। अच्छे विद्यार्थियों की धारणा में बदलाव आवश्यक है, अर्थात अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार शिक्षक के सामने प्रस्तुत करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा, हर एक लाइन ऐसा है जो आपकी सीटेट की परीक्षा में आएगा। सुपर टेट के भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये सुपर टेट के पाठ्यक्रम में नहीं है, तो ये जानते रहे, ये सुपर टेट के पाठ्यक्रम में भी है, ठीक है। अधिगम क्या है, ध्यान दीजिएगा, अधिगम अभिभावकों को सख्त संदेश दिया जाए, बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने का आकांक्षा रखना गलत है। माने बच्चे जब छोटी उम्र में हो उन्हें निपुण बनाने की आकांक्षा एकदम ना रखे। बच्चों को स्कूल के बाहरी जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना, बच्चे तनाव में ना होने पाए, ठीक। कक्षा में शांति, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करिएगा, यकीन मानिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कक्षा में शांति का नियम बार बार ठीक नहीं है, अर्थात जीवंत कक्षागत, मैंने आपसे बताया कक्षा में आवाज होना चाहिए, को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई बच्चा भी कक्षा में न बोलने पाए। सहशैक्षिक गतिविधियों में से बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए, मतलब जब बच्चे के अभिभावक को भी अपनी कक्षा से आपको जोड़ना चाहिए। समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर देना। खेल आनंद व सामूहिकता की भावना के लिए है, रिकॉर्ड बनाने या तोड़ने के लिए प्रयास न दे। माने खेल आपको रिकॉर्ड नहीं बनाना है, ठीक है, रिकॉर्ड नहीं तोड़ना है, यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक। आपने यहाँ पे देखा, खेल आनंद व सामूहिकता की भावना के लिए है, रिकॉर्ड बनाने व तोड़ने के लिए नहीं है। बच्चों की अभिव्यक्ति मातृभाषा महत्वपूर्ण स्थान रखती है, शिक्षक अधिगम परिस्थितियों में इसका उपयोग करें। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर मिले, पुस्तकालय में क्या हो, बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने के क्या मिले, पूर्ण अवसर मिले, ठीक। यह बात भी आप लोग को पता होनी चाहिए। सजा व पुरस्कार की भावना सीमित रूप से प्रयोग करना चाहिए, सजा व पुरस्कार दोनों। एक एक लाइन में एक प्रश्न आपका आएगा, लिख लीजिएगा परीक्षा के बाहर, ठीक है। जीवन कौशल सुपर टेट के सिलेबस में है और सी टेट के सिलेबस में 2005 2009। बच्चों के अनुभव और स्वर को प्राथमिकता देते हुए बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान की जाए, ठीक है, यह बात आप लोग अच्छी तरह से जानते रहिएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को प्रश्न न दे, माने केवल मनोरंजन हो, सौंदर्य बोध न हो, ठीक। शिक्षण प्रशिक्षण व विद्यार्थियों के मूल्यांकन को सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाए, ये सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाएं। ज्ञान निर्माण के सिद्धांत, आइए देखते हैं। मैंने आपसे बताया हर लाइन से आपके सीटेट परीक्षा आएगा, एमपीटेट रिट की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। सीखना एक क्रियाशील और निर्णयात्मक प्रक्रिया है, विद्यार्थी का ज्ञान निर्माण स्वयं करते हैं, कृतियों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण होता है, ज्ञान के निर्माण से बच्चों का मनोविकास होता है, ठीक। कृतियों के माध्यम से बच्चों का मनोविकास, कैसे, कोई भी क्रिया स्वयं करने से ही बच्चों का मनोविकास होता है, वे माता पिता शिक्षक अथवा व्याख्या के माध्यम से भी सीखते हैं, पर स्वयं खोज निकाले गए ज्ञान बच्चों को जैसा विकास होता है वह किसी दूसरे से नहीं, मतलब अगर जो बच्चे खुद से खोज कर करते हैं वैसा ज्ञान नहीं मिल पाता, ठीक। समझ में आया आप लोग को, किसी कोई दिक्कत यहां से, चलिए और क्लास बेहतर होने जा रही है।
चलिए ध्यान दीजिएगा आगे। ज्ञान का निर्माण, ज्ञान का निर्माण कैसे होता है आइए देखते हैं। ज्ञान का निर्माण भौतिक जैविक और सामाजिक संदर्भों से जुड़ा होता है। जैसे ज्ञान का जो निर्माण होता है, ज्ञान का जो निर्माण होता है कैसे जुड़ा होता है, ध्यान से एकदम देखिएगा। सीटेड बहुत ही महत्वपूर्ण आप यहाँ से करने वाले हैं आप। ये ज्ञान का निर्माण कैसा होता है, ज्ञान का निर्माण भौतिक जैविक सामाजिक संदर्भों से जुड़ा होता है। ज्ञान के निर्माण में शिक्षक की भूमिका, मैसेज के ऊपर टेक्स्ट मैसेज ठीक है। बच्चों का स्कूल ही शिक्षकों की शिक्षा प्राप्त करने की भूमि है। स्कूल कॉलेज देश विदेश जाकर भी शिक्षा प्राप्त नहीं की हो सकती, शिक्षकों को शिक्षा बच्चों से प्राप्त हो सकती है वह सीखने की इच्छा तथा विनम्रता से ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो शेयर करेगा उसका सीटेट जरूर निकलेगा, सौरभ सर कह रहे हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, ये दुर्गेश सर हैं, शायद आप पहचान रहे होंगे, अब तो सहायक अध्यापक हूँ। चलिए अब हमारे सामने है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम व्यूह रचना एवं विधियां क्या क्या हैं आइए देखते हैं। शिक्षक द्वारा की गई ऐसी कौशलपूर्ण व्यवस्था जो विद्यालयों में उद्देश्यों के अनुसार व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए की जाती है वो क्या होगी, व्यूह रचना होगी। फिर शिक्षण विधियां, आइए शिक्षण विधियों के बारे में बात करते हैं। शिक्षण विधियां क्या है, हमने देखा एक अध्यापक द्वारा अपने शिक्षण को रोचक प्रभावी एवं सरल बनाने के लिए काम में ली जाने वाली तकनीकी शिक्षण विधियां कहलाती हैं। कक्षा कक्ष में होने वाली अंतः प्रक्रिया इससे आती है ठीक है। शिक्षण पद्धति शिक्षक द्वारा संचालित वह क्रिया है जिससे विद्यार्थियों को ज्ञान की प्राप्ति होती है। शिक्षण पद्धति शिक्षा की प्रक्रिया का गतिशील कार्य है ठीक है। इस प्रकार शिक्षण पद्धति शिक्षार्थियों तक विषय वस्तु पहुंचाने का एक साधन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है। सभी लोग फटाफट ध्यान से पढ़ते रहिएगा, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट पढ़ते रहें और वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों तक शेयर भी करते रहें। शिक्षण केंद्रित विधियां, इससे शिक्षक मुख्य होता है, विद्यार्थी गौण, इसमें विद्यार्थी निष्क्रिय होता है, शिक्षक सक्रिय रहता है, इसमें विद्यार्थियों ज्ञानात्मक स्तर का ज्ञान दिया जा सकता है। देखिए शिक्षक केंद्रित विधियां क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए जिसमें शिक्षक मुख्य होता है, विद्यार्थी गौण होता है, विद्यार्थी निष्क्रिय होता है, शिक्षार्थी शिक्षक सक्रिय होता है। जैसे प्रमुख शिक्षक केंद्रित विधियां, शिक्षक केंद्रीय है ये, व्याख्यान विधि शिक्षक केंद्रीय, पाठ्यपुस्तक विधि शिक्षक केंद्रीय, ये जूनियर कक्षाओं के लिए है। कहानी विधि जूनियर कक्षाओं के लिए है, व्याख्यान प्रदर्शन विधि जूनियर कक्षाओं के लिए है। ये सारी शिक्षण विधियां जो है ये प्राइमरी शिक्षण विधि के लिए उपयोगी या महत्वपूर्ण नहीं है ठीक है। समझ में आप लोग को, चलिए और आगे देखते हैं हम लोग। बाल केंद्रित शिक्षण विधियां, इसमें बालक क्या होता है, केंद्र बिंदु में होता है। ये विधियां बालक की रुचि क्षमता आयु योग्यता मनोदशा के अनुसार होती हैं, उन्हें हम बाल केंद्रित शिक्षण विधियां कहते हैं। इसमें शिक्षण का केंद्र बालक होता है। अच्छी शिक्षण विधि की विशेषता क्या क्या होती है आइए देखते हैं। विद्यार्थियों को सर्वांगीण विकास में सहायक, विद्यार्थियों के व्यक्तिगत भिन्नताओं के रूप में प्रयुक्त हो, सीखने के नियमों पर आधारित हो, विषय विषय के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक हो, अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाती हो, जिसमें समय व श्रम धन का उचित प्रयोग हो, जिसमें शिक्षक शिक्षार्थी दोनों की भागीदारी हो, जो रोचक व शिक्षार्थी केंद्रित हो ठीक। आगे देखते हैं शिक्षण पद्धति में संप्रेषण कौशल, मानव स्वास्थ्य कौशल, नेतृत्व कौशल और सामग्री मानव संसाधनों की कला है। शिक्षा युक्तियां क्या क्या है, अध्यापक द्वारा अपनाई जाने वाली युक्ति को शिक्षण युक्ति कहते हैं, जैसे प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि, दृष्टांत विधि आदि। इलेनी भी दुर्गेश की शायद आप पहचान होंगे, पुरानी फोटो पुरानी पोस्टर है ठीक, इलेनी भी दुर्गेश की। अब आते हैं सामाजिक विज्ञान का शिक्षण, दो लोग देख रहे हैं फटाफट देख लीजिएगा। सामाजिक विज्ञान शिक्षण क्या है, प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण को भाषा और गणित के अविभाज्य अंग के रूप में पढ़ाया जाता है। इसमें जेंडर संवेदनशीलता का स्थान दिया जाए, बच्चों को उन क्रियाओं को संलग्न करना चाहिए जो उनकी प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण संबंधित समझदारी को बढ़ाने में मदद कर सके। इस अमूर्तन के आधार पर ही और उदाहरणों के आधार पर ही समझाया जाना चाहिए।
कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के रूप में शामिल किया जाएगा। बच्चों के प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के संबंध की पहचान करने लगेंगे, उन्हें समझने की योग्यता का विकास होना चाहिए। अवलोकन और अनुभव द्वारा सामाजिक विज्ञान शिक्षण बच्चों में ज्ञान आदि क्षमता का विकास कर सकता है। कक्षा 6 से 8 तक इसमें क्या होता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विकास में इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र विषय वस्तु ली जाएगी। समकालीन मुद्दों की कई परिप्रेक्ष्यों से देखते हुए बच्चों को समाज की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को अवगत कराया जा सकता है। स्थानीय, प्रांतीय और केंद्रीय स्तर पर सरकार के गठन और संचालन की प्रक्रिया तथा इससे भाषा लेने की लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बच्चों को अवगत कराना चाहिए। अब की बार सीटेट पर माध्यमिक स्तर सामाजिक विज्ञान शिक्षण, सामाजिक विज्ञान शिक्षण क्या देखते हैं, ये पीडीएफ टेलीग्राम पर उपलब्ध है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ऐसी विधियां समावेशन होना चाहिए जो रचनात्मक, सौंदर्य बोध, आलोचनात्मक परिचय को प्रोत्साहित करे, बच्चों को अतीत और वर्तमान के बीच संबंध स्थापित करे और समाज में रहे परिवर्तन को समझाने में सक्षम बनाए। चलिए समस्या समाधान, नाटकीय रूपांतरण तथा भूमिका निर्वाह कुछ विधाएं हैं जिन्हें उपयोग में लाया जा सकता है। शिक्षण की फोटोग्राफ, चार्ट, मानचित्र, पुरातत्वविद तथा भौतिक, सांस्कृतिक, प्रतिकूल आदि श्रव्य सामग्रियों का उपयोग होना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया मात्र सूचनाओं के आदान प्रदान के स्थान पर वाद विवाद परिचर्चाओं को प्राथमिकता मिले। राष्ट्रीय पाठचर्या व गणित शिक्षण, आइए गणित शिक्षण के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि ये मैराथन क्लास है। ठीक, चलिए। विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों की सोच का गणितीकरण करना होता है। अमूर्त विचारों के साथ कार्य करना, समस्या समाधान के उपाय ढूंढना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आइए गणित शिक्षण की समस्या, बच्चों में गणित को लेकर डर और असफलता का भाव है। ठीक है, एक प्रश्न आ रहा है, देखिए 300 प्रश्न का पीडीएफ अभी नहीं मिल पाएगा क्योंकि उसमें बहुत त्रुटियां हैं, उसे सुधार करने के बाद देंगे, क्योंकि अगर उसमें त्रुटियां सुधार नहीं की जाएंगी तो लोग कहेंगे देखिए दुर्गेश सर ने पीडीएफ दिए इतनी गलतियां हैं, इसलिए जब तक हम उसको सुधार नहीं कर लेते तब तक हम आपको नहीं दे पाएंगे। पाठचर्या जो छोटे से प्रतिभाशाली वर्ग के साथ ही असहभागी बड़े वर्ग दोनों को ही निराश करती है। मूल्यांकन अपरिष्कृत विधियां हैं जो गणित को गणनाओं के दृष्टिकोण से देखती हैं। गणित के शिक्षण के लिए शिक्षकों को तैयारी और सहायता का अभाव, व्यवसायगत समस्या। राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 में गणितीय समस्याओं के विश्लेषण हेतु प्रमुख सुझाव, आइए देखते हैं क्या क्या सुझाव है। गणित शिक्षा का फोकस संकीर्ण से हटाकर उच्च लक्ष्यों की तरफ स्थापित करना है। प्रत्येक बच्चों को सफलता के भाव से जोड़ना है। अभ्यर्थी के सामने संकल्पनात्मक चुनौती प्रदान करना है। आकलन की पद्धति को बदलना है जिसमें विद्यार्थियों के प्रतीकात्मक ज्ञान के स्थान पर गणितीकरण योजना की परख हो। विविध गणितीय संसाधनों शिक्षकों पर संवर्धन करना, सभी बच्चे गणित सीख सके और सभी बच्चों को गणित सीखने की जरूरत है, इसलिए सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण गणित की शिक्षा देना। चलिए राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 भाषा शिक्षण, थोड़ा सा शॉर्टकट में नोट्स है, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर पड़ी है, टेलीग्राम पे आप लोग जुड़े रहिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसकी। ठीक है, ठीक, चलिए अब वीडियो चालू करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, अगर आपको लग रहा है ना तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, क्लास चलते रहा करें ना। कौन है शुभम जी, अब वीडियो की स्क्रीनशॉट ले लिया करिए शुभम जी। देखिए भाषा शिक्षण क्या है, भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित संप्रेषण का माध्यम भर है नहीं है बल्कि यह परिघटना है जो एक बड़े स्तर हमारी सोच, सत्ता और समता के संदर्भ में हमारे सामाजिक संबंधों को निर्मित करती है। बच्चों को मातृभाषा में ही शिक्षा प्रदान की जाए और शिक्षकों को कक्षा में बहुभाषी वातावरण महत्व उपयोग कर सकने की क्षमता प्रदान की जाए। ठीक है, उच्चतर स्तर पर घरेलू भाषा में शिक्षा की व्यवस्था न होने पर भी प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में घरेलू भाषा में ही हो। ठीक है, बहुभाषिक भाषा क्षमता, शैक्षिक संप्राप्ति और सकारात्मक संबंध होता है। बहुभाषिकता ज्यादा संज्ञानात्मक लचीलेपन सामाजिक सहिष्णुता को जन्म देती है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार राजभाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा हिंदी है। 350 क के अनुसार राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को शिक्षा के प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा।
भाषा शिक्षण का प्रथम उद्देश्य कक्षा में अपनी क्षमता का उच्च स्तर के संवाद कौशल आलोचनात्मक चिंतन के विकास का प्रयास होना चाहिए। अंग्रेजी वैश्विक भाषा अर्थात दूसरी भाषा के रूप में इसका शिक्षण होना चाहिए। भारत में त्रिभाषा फार्मूला उपयुक्त है, याद रखिएगा त्रिभाषा फार्मूला उपयुक्त है, राजभाषा, मातृभाषा और स्थानीय भाषा। अंग्रेजी भाषा को पढ़ाया जाना चाहिए। जो कुछ वह सुनता है उसे समझने की दक्षता, भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है, समझ के साथ पठन योग्यता होनी चाहिए न कि मात्र। तार्किक विश्लेषणात्मक रचनात्मक ढंग से सहज अभिव्यक्ति, छात्र कल्पनात्मक सृजनात्मक विकसित करने की प्राप्ति स्थान उपलब्ध कराना, छात्र को समृद्ध संस्कृति और समकालीन विश्व के प्रति संवेदनशील बनाने का अवसर प्रदान करना, हिंदी शिक्षण के संबंध में शिक्षा शास्त्री के प्रस्ताव, ठीक है। वाइगोत्स्की ने निष्क्रिय विकास क्षेत्र में धारणा भाषा शिक्षण के बाल केंद्रित दृष्टिकोणों को आगे बढ़ाया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में विज्ञान शिक्षण, आइए विज्ञान शिक्षण की बातें कर लेते हैं। कई शिक्षण आप लोग आज यहाँ पे पढ़ ले रहे हैं, जैसे पाठ्यक्रम की विषय वस्तु प्रक्रिया और शिक्षण बच्चे की उम्र के अनुरूप हो, विषय वस्तु को बच्चों की समझ के स्तर के अनुसार सहज और सरल रूप में होनी चाहिए। पाठ्यचर्या बच्चों की जिज्ञासा रचनात्मकता और पोषित करे। विज्ञान को विद्यार्थियों के व्यापक परिवेश स्थानीय और वैश्विक के संदर्भ में रखकर सिखाया जाए। पाठ्यचर्या ईमानदारी वस्तुनिष्ठता सहयोग आदि जैसे मूल्यों का संवर्धन करे और भय पूर्वाग्रह एवं अंधविश्वास मुक्त मानस तैयार करने में सहायक हो। विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य क्या क्या है थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर आपको पढ़ना तो ठीक है भैया, और शेयर करना करिए क्योंकि एक बार में पूरा खत्म हो जाएगा। संस्कृत के लिए हम कल पूरा प्रयास करेंगे। बच्चों में परिवेश के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना, खोजी और हाथ से करने वाले कार्यकलाप से संगल होना है तो प्रोत्साहित करना, इससे बच्चों में संज्ञानात्मकता और मन प्रेरक कुशलताएं विकसित होती हैं। बच्चों में सफाई ईमानदारी सहयोग जीवन और परिवेश के प्रति गंभीर रूप से जैसे मूल्य विकसित करना, शिक्षण मुख्यतः कार्यकलाप पर आधारित होना, कक्षा के बाहर और भीतर दोनों जगह पढ़ाया जाना चाहिए लेकिन शिक्षण मुख्यतः गतिविधि परक होनी चाहिए। विज्ञान शिक्षण में इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर उपलब्ध है, आप जाके अपलोड कर सकते हैं, ऑलरेडी अपलोडेड है टेलीग्राम पर। बच्चों के पर्यावरण से जुड़े अनुभव को शिक्षण स्थान देना चाहिए। कक्षा एक और दो विषय वस्तु से संबंधित कार्यकलाप कोई कठोर प्रक्रम नहीं रखना चाहिए। औपचारिक मूल्यांकन नहीं होना चाहिए, शिक्षक को बच्चों का अवलोकन करते हुए मूल्यांकन भी करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर ग्रेड देना, पास या फेल करने की किसी भी तरह की पहल नहीं होनी चाहिए। कक्षा शिक्षक को लगातार मूल्यांकन करते रहना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पहली बार विज्ञान से परिचय होता है, इसलिए यही समय है जब उन्हें जानना चाहिए विज्ञान पढ़ने का मतलब क्या होता है। इस स्तर पर 6 से 8 के प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी दो शाखाओं में बांटा जाना चाहिए। 6 से 8 पर चुनी गई वैज्ञानिक अवधारणाएं बच्चों के अनुभव जगत से संबंधित होनी चाहिए। प्रयोग आधारित विज्ञान शिक्षण को बढ़ावा दिया जाए। प्रयोग कार्यकलाप माध्यम से वैज्ञानिक धारणाएं सिद्धांत बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए, ठीक है। अनुसंधान उन समस्याओं को जिन्हें खुद महत्वपूर्ण समझते हो। 6 से 8 तक सतत सामाजिक मूल्यांकन होना चाहिए। फिर उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रत्यक्ष ग्रेडिंग व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर मेरिट क्रम निर्धारित से बचना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर सांवेदिक जांच में लिखित प्रयोगात्मक प्रयोग आधारित दोनों तरह की जांच परीक्षा होनी चाहिए। इसकी टेलीग्राम पर पीडीएफ ऑलरेडी उपलब्ध है। चलिए अगर आप लोग कहें एनसीएफ 2005 से जुड़े प्रश्न उत्तर को हल कर लेते हैं तो जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। जी हम इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर उपलब्ध है, जहां पे आप दुर्गेश सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सभी ई लर्निंग विद दुर्गेश है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए एनसीएफ 2005 के अनुसार हस्तशिल्प सिखाया जाना चाहिए। जल्दी से कमेंट करके बताइए कैसे, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए हस्तशिल्प सिखाना जाना चाहिए कैसे। आइए देखते हैं, कक्षागत अभ्यास के रूप में नहीं, शिक्षक द्वारा प्रदर्शित करके जिन व्याख्यान देकर नहीं, प्रोजेक्ट के रूप में। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, प्रोजेक्ट के रूप में, माने एनसीएफ 2005 के अनुसार हस्तशिल्प प्रोजेक्ट के रूप में, ताकि बच्चे करके सीखे। कैसे सीखे, करके सीखे। एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देता है, किस पर बल देता है, करके सीखने पर बल देता है, कौन, एनसीएफ 2005। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार मूल्यांकन के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। जल्दी से कमेंट कर बताइएगा
सभी साथी फटाफट कमेंट करके कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार मूल्यांकन के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए, क्या प्रयोग किया जाना चाहिए, सभी लोग फटाफट कमेंट कर बताइए। ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए अपील लेने पर दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है, नोट कर सकते हैं, जहाँ पे क्लास नोट्स पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा, टेट सी टेट सुपर टेट, ये मेरी क्लास फ्री ई-लर्निंग पे दुर्गेश पर चलती है। देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या मूल्यांकन का प्रयोग किसके लिए करती है, रैंक देना गलत, नंबर देना गलत, वर्ग में बांटना गलत, तो यहां पे कैसे होगा बताइए। देखिए यहां पर ग्रेड दे देता है, आपने देखा होगा ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ई ग्रेड, बच्चों को अंक नहीं देता ताकि किसी को न लगे अंक ज्यादा है या कम है। तो एनसीईआरटी जब मूल्यांकन के लिए प्रयोग कराया ग्रेड सिस्टम करता है, ग्रेडिंग सिस्टम करता है, ठीक है, मूल्यांकन के लिए किसकी, बसे बकरी, ठीक। चलिए अगला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया है, सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे, सभी साथी फटाफट कमेंट करके जवाब देंगे। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, ये फेसबुक पेज ई-लर्निंग विद दुर्गेश, यूट्यूब चैनल ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर मैं गेस्ट के रूप में निःशुल्क आपको ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर पढ़ा रहा हूँ। तो जो भी साथी ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े हैं, अपने सभी साथी मित्रों को ये वीडियो शेयर कर दें, लोगों तक पहुँचा दें, क्योंकि कर भला तो हो भला, ठीक। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके क्या होगा। देखिए यहां से मैंने आज बताया, अगर आज की पूरी क्लास पढ़ लेंगे प्राइमरी जूनियर मिलाकर 30 प्रश्न आसानी से करेंगे, जी हाँ आज की एक क्लास में आप 30 प्रश्न से ज्यादा करेंगे। खुली पुस्तक परीक्षा, परीक्षा खुली पुस्तक होनी चाहिए, सतत निरंतर व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, सामूहिक कार्य का मूल्यांकन होना चाहिए। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा उपरोक्त सभी, माने ऑल ऑफ दीज, यहां पर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है, आप लोगों ने एकदम सही बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्लियर, कोई डाउट किसी को हो तो कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक है, समझ में आ गया ना, शेयर कर दीजिए, पैसे नहीं कटेंगे। अगला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार परीक्षा में 25% से 40% प्रश्न कैसे होने चाहिए, सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे, चाहे वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, चाहे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करिएगा और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, और अब की बार सी टेट बार, ठीक, सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए सबसे ध्यान दीजिएगा, 25 से 40% प्रश्न कैसे होने चाहिए, देखिए अगर यहाँ पे देखा जाए सभी विकल्पों को तो लघु उत्तरी प्रश्न होने चाहिए, लघु उत्तरी प्रश्न में बच्चे अपने खुले अंत वाले, खुले अंत वाले प्रश्न होने चाहिए, जैसे वर्षा न होगी तो क्या होगा, वर्षा ज्यादा होगी तो क्या होगा, धूप ज्यादा होगी तो क्या होगा, धूप नहीं होगी तो क्या होगा, ये सारी बातों को हमें और आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक, क्लियर सबको, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है ना, बताइए आप लोग जो लोग लाइव देख रहे हैं, अगर हो तो बताइए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, एनसीईआरटी 2005 का प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 अंग्रेजी भाषा पढ़ाने का उद्देश्य है, सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे, अंग्रेजी भाषा पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। यह वीडियो फेसबुक पेज पर और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर है, कुछ लोग अभी जुड़े हैं और उन्हें एनसीईआरटी 2005 का फुल फॉर्म नहीं पता है, वीडियो कब से चल रही है, एक घंटा लगभग आपकी क्लास हो चुकी है, एनसीएफ का फुल फॉर्म हमने बता दिया है कई बार, कोई बता दे कमेंट करके भाई, अभी कोई पूछ रहा है। देखिए विदेशी भाषा ज्ञान देना नहीं, परीक्षा सफलता जी नहीं, बहुभाषी लोगों को तैयार करना जो भारतीय भाषाओं को समृद्ध कर सके, तो हमारी कक्षा कैसी होनी चाहिए, बहुभाषिकता होनी चाहिए, ठीक ठीक। चल अगला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 किस सिद्धांत पर आधारित है, सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, ये क्लास पिछले घंटों से चल रही है, बताइएगा सभी लोग फटाफट कमेंट करके, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, जितने लोग वीडियो को फेसबुक पे यूट्यूब पे जहां भी लाइव देख रहे हैं,
सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी लोग। क्या गलत है? उत्तर तो देना चाहिए ना, बहुत होगा गलत ही होगा, कैसा होगा बताइए। देखिए ये मनोविश्लेषणवाद होना चाहिए, नहीं व्यवहारवाद, रचनावाद, बच्चे रचनात्मक तरीके से पढ़े, ये रचनावाद होना चाहिए। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा 20 का राइट आंसर होगा, 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। तो जितने साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर बी दिया है उन सबके जवाब पूरी तरह से सही है, माने बी वालों का राइट आंसर है। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो कमेंट करके बताइए। चलिए अगला है आपके सामने, किस रूप में बच्चे हमेशा विद्यालय के भौतिक वातावरण से निरंतर अंतःक्रिया करते हैं? जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइएगा। ये क्लास पिछले एक घंटों से आपके लिए लाइव चल रही है ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं अब की बार सीटेट पर बताइए से फटाफट कमेंट करके बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके जितने लोग वीडियो को लाइक देख रहे हैं मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं। देखिए चेतन रूप में अचेतन रूप में दोनों रूप में बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए एक और दो जहां पे देखिएगा जैसे ए और बी दोनों आ जाए, ये सभी आ जाए, ये विकल्प 80% सही होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। अगर आप सीटेट देने जा रहे हैं ये बात याद रखिएगा, ठीक है? समझ में आ रहा ना आप लोग को? ये जौनपुर जनपद से क्लास निःशुल्क आपके लिए चलती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है? जल्दी से कमेंट करिएगा और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जो भी साथी इस वीडियो को लाइव इन लर्निंग विद दुर्गेश पे देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब जहां से भी देख रहे हैं, जरूर कमेंट करिएगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, जितने लोग भी देख रहे हैं चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पे जहां भी आप निःशुल्क देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करिएगा। देखिए यहां पर ध्यान दें, कठोर अनुशासन बनाए रखना नहीं होगा, पाठ योजना तैयार करने के अनुसार पढ़ाना, यथासंभव क्रियाकलाप आयोजन करना, विद्यालय विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के पूरे मौके उपलब्ध कराना। तो भैया आप क्या करेंगे? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? चौथा डी का राइट आंसर होगा, डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप तो रेस के घोड़े हैं, ठीक है? हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 किस सूच के आधार पर पाठचर्या के बोझ को कम करने पर बल देती है? जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा। जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करेंगे और इस प्रश्न का जवाब देंगे। सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा क्योंकि अब की बार सीटेट पार, ठीक है, अब की बार सीटेट पार। बताइए यहां पर क्या होगा? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 किस सूच के आधार पर पाठचर्या के बोझ को कम करने पर बल देती है? जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करें बताइए। जितने भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी कमेंट करेंगे, चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पे जहां भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करिएगा, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा सभी साथी फटाफट कमेंट करके, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं। जितने लोग भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि भैया वीडियो को फटाफट कमेंट करेंगे और फटाफट जवाब देंगे, क्योंकि मैंने आपसे बताया ना कि रेस के घोड़े ही रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। इसका उत्तर क्या होगा? शिक्षा पर्यावरण के बिना, पर्यावरण तो है ना यार 3 से 5, शिक्षा पर्यावरण के साथ, शिक्षा बोझ के साथ, बिना बोझ के। एनसीएफ 2005 ये कहता है बच्चों को शिक्षा जो है बिना बोझ के देना चाहिए, बिना बोझ के शिक्षा पर बल देता है कौन? एनसीएफ 2005। क्लियर हुआ? चलिए हम आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, एनसीएफ 2005 ने पाठ्यचर्या निर्माण के निर्देशक सिद्धांतों का प्रस्ताव रखा, निम्न में से कौन सिद्धांत नहीं है? जल्दी से कमेंट कर बताइएगा कौन सा इसमें से सिद्धांत नहीं है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। ऑनलाइन क्लास नोट संबंध में भी कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। एमपीटेट, रीट, सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, KBS, DSS भी मेरे द्वारा क्लास निशुल्क आपके लिए इन लर्निंग दुर्गेश पर चलती है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे अपलोड हो चुकी है, दुर्गेश सर सर्च करके इन लर्निंग दुर्गेश के टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं।
फेसबुक पेज पर भी अपलोड है, ई लर्निंग विद दुर्गेश, दोनों पर निःशुल्क लाइव देख रहे हैं आप। कल अगली क्लास जो होगी गणित एनसीएफ 2005 की क्लास होगी, गणित की एनसीएफ 2005 की क्लास होगी, इसलिए कल आप लोग टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा। गणित शिक्षण और गणित एनसीएफ 2005 की कल क्लास होगी, 2 घंटे की मैराथन क्लास होगी, अंतिम रण, ठीक है। बताइए क्या होगा। ज्ञान को स्कूल के बाहर की दुनिया जोड़ना सही है, पढ़ाई रटन पढ़ाई से मुक्त हो यह सही है, पाठचर्या इस तरह से समर्थन की जाए वह चौमुखी विकास के अवसर मुहैया कराए बजाय पाठ केंद्रित होना यह सही है, यांत्रिक तरीके सिखाना यही गलत है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो गलत है वही सही है, बच्चों को ज्ञान का यांत्रिकरण नहीं कर सकते, इसलिए मेरे प्यारे शिक्षक साथियों इस बात को भली भांति जानते रहिएगा, भली भांति परिचित होते रहिएगा, इस प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प होगा डी इसका राइट आंसर है, जो गलत है वही सही है, क्योंकि यहां पर पूछा है कौन सा निम्नलिखित में से सही नहीं है। अगला प्रश्न है आपके सामने, जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है। सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएंगे, कितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट करें, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का लाइव जवाब दें। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, चाहे इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जल्दी से कमेंट करिएगा और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का लाइव जवाब दीजिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं खेत में नहीं। समझ में आया आप लोग को? अगर आ गया तो मालिक शेयर तो करिए, शेयर तो बनता है ना कि नहीं बनता है, बताइए जल्दी से। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्या होगा इसका उत्तर, जल्दी से कमेंट करिए और जवाब दीजिए। बताइए अगर आप जवाब नहीं देंगे तो कौन जवाब देगा, हम ही अकेले जवाब देंगे, बताइए। चलिए इसके बाद भी मैं बहुत सारी चीजें आपको सिखा दूंगा, बहुत सारी चीजें बता दूंगा। देखिए मुख्य उद्देश्य क्या है, यहां का जो मुख्य उद्देश्य है वो है पढ़ाई को स्कूल के बाहर दुनिया जोड़ना सही बात, समझ आधारित पढ़ाई को बढ़ावा देना सही बात, कच्चा गतिविधि जोड़ना सही बात, इस प्रश्न का उत्तर चौथा या डी प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। ये सभी क्लास जो मैराथन क्लास चल रही है इसके लिए आप सभी लोग टेलीग्राम ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि आखिरी जो मैराथन नोट्स है वो कुछ ही घंटों बाद आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दी जाएगी, जहां पे आप दुर्गेश सर सर्च करिएगा, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़िएगा, यहां पर निःशुल्क क्लास की लिंक मिलेगी, कल जितनी भी क्लासेज हैं सबकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर, प्रैक्टिस सेट की मैराथन जो चंद पेजों की होगी, चंद घंटों में होगी, यह आपके लिए अगली क्लास कल जो चलने वाली है वो आपके जीवन की ऐतिहासिक क्लास होगी। तो सभी साथी टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, और ऑनलाइन क्लास या नोट के संबंध में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर, ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है जौनपुर जनपद का, यहां से जुड़ के पढ़ सकते हैं। ये क्लास मेरे द्वारा पूरी तरह से निःशुल्क देश हित में राष्ट्र हित में चलता है। जी हाँ, कैसी लगी क्लास की आज कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। समावेशी शिक्षा क्या है, उसकी नीति क्या है, पुस्तकालय पाठ्य पुस्तक क्या है, विद्यालय कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, स्व आकलन आकलन की रूपरेखा, विभिन्न चरण क्या होते हैं कक्षा 3 से 8 तक के लिए, परीक्षा का प्रक्रम क्या होता है, शिक्षण क्रम क्या होता है, आकलन का उद्देश्य, आकलन का मूल्यांकन, माध्यमिक शिक्षा मूल्यांकन का प्रयोजन, ये सभी चीजें अब आप लोग को एक बार और पढ़ना होगा। आरंभिक शिक्षा क्या है, बाल पाठचर्या की जो परियोजना थी एनसीएफ 2005 की वो कैसे थी, सामाजिक विज्ञान शिक्षण, विज्ञान शिक्षण, इनको भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय पाठचर्या 6 प्रकार के थीमों में बांटती है, वह 6 थीम कौन है कमेंट करके बताइएगा। पर्यावरण के 6 प्रमुख थीम रख लीजिएगा, उप थीम कौन से हैं इनको भी पढ़ लीजिएगा। वैसे बोलना क्या है, जैसे शिक्षक बच्चों को बोलने को बकवास के बदलने संसाधन के तौर पर देखे तो विरोध और नियंत्रण है, लेकिन ये बच्चों की अभिव्यक्ति का अवसर देता है। पाठ्यपुस्तक शिक्षक की मार्गदर्शिका तैयार करने वालों को शिक्षकों की तरह निर्देश लिखने चाहिए, बच्चे आपकी कक्षा में खुलकर बोले। सुनना, पढ़ना, लिखना, गणित, ये सभी बहुभाषिकता क्या है, ये सारी चीजें अगर आप पढ़े रहेंगे एनसीएफ 2005 में बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं अपना बेहतर देते रहिएगा, ई लर्निंग विद दुर्गेश आपका साथ है, आगे भी रहेगा। हम जल्दी कल अगर कोई समय निकलता है तो हम जूनियर के लिए भी बात करते हैं।
ज्ञान को स्कूल के बाहर की दुनिया से जोड़ना, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त सुनिश्चित करना, पाठ्यचर्या इस तरह संवर्धन करें कि बच्चों को चौमुखी विकास के अवसर मिले बजाय पाठ्यपुस्तक केंद्रित रह जाए, परीक्षा को लचीला बनाना, कक्षा की गतिविधि से जोड़ना एक ऐसी अधिभावी पहचान विकास जिसे प्रजातांत्रिक राजव्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो, ये सारी बातों को ध्यान में रखकर एनसीएफ 2005 को आगे बढ़ते रहना है। एनसीएफ 2005 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है जो निःशुल्क शिक्षा की बात करती है। राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा थी यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिशों के बावजूद आई थी। जानकारी भरी पाठ्यपुस्तकों और 2004 की पाठ्यचर्या की रूपरेखा की समीक्षा के बाद ही पाठ्यचर्या के और परीक्षाओं के तानाशाही को विवादास्पद मुद्दे को हल किया है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा को प्राय गलत समझा गया, ये एक रूपता लाने के लिए प्रस्तावित दस्तावेज है, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 प्रोग्राम ऑफ एक्शन है। 1992 में स्पष्ट किया गया उद्देश्य इससे सटीक विपरीत होता है। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा खासियत के रूप में प्रासंगिकता, लचीलापन, गुणवत्ता पर बल देते हुए है, इस दृष्टि से विस्तारित किया जाता है। ठीक है, कोई समस्या आप लोग के मन में हो तो जरूर पूछिएगा। क्या आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे तो जल्दी उससे शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन, ये सब याद रखिएगा, ये आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से सिलेक्शन लेना है आपको, हर हाल में लेना है, क्योंकि रेस के घोड़े ही तो रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, एकदम डरिएगा मत, रिलैक्स होकर परीक्षा हाल में जाइएगा, कर हर हर मैदान सफल, अब की बार सीटेट पार। हमने जो आपको टैग वर्ड पढ़ाया था एक बार पढ़ के जाइएगा, यकीन मानिए सीटेट पार हो जाएंगे। टैग वर्ड एक बार रात में और देख लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद कोई माइक लाल आपको सीटेट रोक नहीं पाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथी, पूरा एनसीईआरटी मैंने पढ़ाया है, और रट डालिए, इतिहास रचिएगा इस बार, और हम उम्मीद करते हैं इतिहास से दो कदम और आगे बढ़ेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, लगा दीजिए बल और कुछ ऐसा करिए आपके माता पिता आपके लिए गर्व से सीना चौड़ा करे, आपके लिए ऐतिहासिक हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। परीक्षा हाल के बाहर निकलेगा, हम आपका इंतजार करेंगे और उत्तर कुंजी सबसे पहले सटीक देने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, परिवार, भोजन, जल, आवास, हम चीजें कैसे बनाते हैं, ये यात्रा आप भूल गए, यात्रा भी थीम है, यात्रा भी थीम है। जी हाँ, वीडियो को शेयर करिएगा सभी साथी मित्रों तक, जितना हो सके, जितना दूर तक आप पहुंचा सकते हैं वहां तक पहुंचाइएगा, हम आपके साथ थे हैं और आगे भी रहेंगे। चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत अच्छा लगा आपके साथ पढ़कर पढ़ाकर। बाय बाय।